गुड आफ्टरनून बच्चों, हिस्ट्री का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। हमने कल अति लघु उत्तरीय प्रश्न किए थे, आज हम करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है अशोक के प्रमुख अभिलेखों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अशोक के प्रमुख अभिलेखों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है हमें। तो जो देश में सबसे पुराने अभिलेख मिलते हैं, वो जो शिलालेख मिलते हैं वो अशोक के मिलते हैं। अशोक के प्रमुख अभिलेख निम्नलिखित है, मैं आपको बता देती हूँ। एक है 14 वृहद शिलालेख, स्तंभ लेख, और तीसरा है लघु शिलालेख। तो जो 14 वृहद शिलालेख हैं वो किन स्थानों पर मिले हैं मैं आपको भी बताती हूँ। मानसेहरा, ये मानसेहरा पड़ता है पाकिस्तान में। दूसरा है कलसी, ये है देहरादून उत्तराखंड में। गिरनार है गुजरात में। शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है, सोपारा महाराष्ट्र में। और इसके बाद आता है हमारा स्तंभ लेख। जो स्तंभ लेख हैं ये 6 स्थानों पर मिलते हैं, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, प्रयाग, रामपुरवा, लोरिया, नंदनगढ़ और लोरिया अर्राज। फिर आता है हमारा लघु शिलालेख। लघु शिलालेख ये हमें प्राप्त हुए हैं रूपनाथ, जो मध्य प्रदेश में है, गुजरो आंध्र प्रदेश में। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसका प्रारंभ देवनाम प्रियम अशोक राजस शब्दों से हुआ है। तो ये है हमारे अशोक के प्रमुख अभिलेख, 3 है, 14 वृहद शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु शिलालेख। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अभिलेखों के ऐतिहासिक साक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं। आपको बताना है चैप्टर के आधार पर, आपने सारांश पाठ का पढ़ा है। फिर आता है हमारा मुद्रा शास्त्र क्या है। मुद्रा शास्त्र मैंने पहले भी बताया था आपको, परिभाषित किया था, लेकिन अभी हमें इसका विवरण खुलकर बताना है, यानी पूरा इसका सार लिखना है कि मुद्रा शास्त्र होता क्या है। इसके बाद आता है हमारा मौर्य साम्राज्य के महत्व पर टिप्पणी लिखनी। अब हम लिखेंगे मौर्य साम्राज्य के महत्व पर टिप्पणी। तो जो मौर्य साम्राज्य है, भारतीय इतिहास का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य है, जो लगभग 150 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। इस काल की राजनीतिक और भौतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर इतिहासकारों के विचारों में अलग अलग मत है, यानी इतिहासकारों ने इन्हें 2 प्रकार से व्यक्त किया है। ये पाठ्य पुस्तक के आधार पर आप देखेंगे और इसे याद करेंगे। फिर आता है हमारा अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के प्रशासन पर मेगस्थनीज के विवरण का उल्लेख कीजिए। अच्छा, इस उल्लेख में हमारे पास जो स्मृति है, इसमें 6 स्मृतियां यानी उपस्मृतियां हैं ये 6। तो हमें 6 उपस्मृतियों का वर्णन करना है। पहली स्मृति जैसे आती है, ये पहली स्मृति है, ये शिल्प उद्योगों का निरीक्षण करती है। फिर आती है हमारी दूसरी समिति, यह विदेशी अतिथियों का सत्कार करती है। फिर आती है हमारी तीसरी समिति, यह जनगणना तथा निर्धारण के लिए जन्म मृत्यु का ब्यौरा रखती है। फिर आती है हमारी चौथी समिति, यह व्यापार की देखभाल करती है, बाट बट्टों का निरीक्षण करती है। फिर आती है पांचवी समिति। जो हमारी पांचवी समिति है, यह कारखानों और घरों में बनाई गई वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती है। छठी समिति, इसका कार्य विक्री कर वसूलना रहता है, जो वस्तु जिस कीमत पर बेची जाती थी उसका 10वां भाग बिक्री के रूप में दुकानदार से वसूला जाता था। यह कर न देने पर मृत्युदंड की व्यवस्था थी। तो ये है हमारे लघु उत्तरीय 5 प्रश्न है। इन 5ों प्रश्नों को आप याद करेंगे और फिर नोटबुक में लिखेंगे। बाकी कल हम करेंगे इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।